मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे। अभी मैं उठी हूँ, अभी नीचे जाऊँगी। कल तो और कुछ शूट कर नहीं पाई, थोड़ा बस ही ट्रेन का, और घर में आई, डिनर किया, सो गई। बस अभी फिर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं उठी, अभी टाइम कितना हुआ पता है? नाइन थर्टी सेवन। अभी मैं उठी हूँ, नींद अभी खुला जा फ्रेश होके अभी नीचे जाऊँगी, चाय पीऊँगी। मम्मी जी ने चाय वगैरह नाश्ता सब बना के रेडी रखा है, मुझे कोई बुलाया नहीं है। जानती है कि बहुत टेंशनिंग के मतलब हैट्रिक रहा हम लोग का, और कल तो हेडेक भी मेरा बहुत था, ज़्यादा दवाई दिए तो मैं ठीक हुई हूँ खा के, इसलिए किसने मुझे कॉलिंग बेल कोई बजाया नहीं। मैं देख लूँ इतना हो गया टाइम नहीं सोने दिया है मुझे, यहाँ कुछ यहाँ तो मेरा आज़ादी है, यहाँ मेरा कुछ प्रेशर नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ बाउंड नहीं, अपना मन से मैं चलती हूँ। इसलिए मैंने कहा नहीं था, मेरा ससुराल कम मायका ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मुझे जाके फिर मिलते हैं। फिर रख गया हूँ, दोपहर को फिर मुझे आके सोना है। रखिए रहने दीजिए, इधर बिस्तर भी है, और इधर सारे खिड़की ना मैं रात को बंद कर दिया था, खाली ए वाला खुला था। और इतना ज़ोर से बारिश आ रहा था कल, हुआ बहुत ज़ोर से आ रहा था, बोल रही हूँ बारिश बहुत ज़ोर से हुआ रात को, तो उठ के मुझे बंद करना पड़ा, जबकि मैं खोल के सोई थी ये वाला। ये है तालाब, पपीता कितना अच्छा ना देखिए दिख रहा है। मम्मी जी का गाछ है, और फूल कितने अच्छे खिले थे कल, सारे तोड़ लिए आरती दीदी आके। बहुत फूल गाछ है मम्मी के गार्डन में। और ये हो गया पूरा तालाब, चलिए मैं बंद कर देती हूँ, बाद में आके फिर आप सबको ये नज़ारा मैं दिखाऊंगी। ये भी बंद है, रहने दीजिए, खाली वो खुला रहेगा, क्योंकि जब मैं दोपहर को आऊँगी ना तो फिर इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, सारे रूम अगर बंद हो जाए, सारे खिड़की अगर बंद करके रख दूँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा, सो नहीं पाऊँगी। और ऊपर तो सीलिंग फैन चल ही रहा है, और देखिए ये मैंने टेबल फैन भी लगा के मैंने सोया था कल। यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मम्मी जी ने मॉस्किटो जो क्या बोलते हैं धूपकट या अगरबत्ती वो रखा था, कैंडल, इतने सारे कैंडल, डिश लाइट, बॉडी लोशन सब लेके पहले से यहाँ रखवा दिया है। आरती दीदी आके सब रख के गया है। और एक दखिर की खुला था, चलिए चलते हैं, हाँ नीचे चलते हैं। आरती दी ना आकार दाग हो गया, हमें कि एक और ढल ची ना कि आरती दी सुबह सुबह मुझे बोला नीचे पलंग का नीचे घुसो, हारने में क्या है, निकल के देखो ठीक है कि नहीं। इसमें मैंने इडली सूजी अगले बार मैंने छोड़ा था तो दीदी ने यहाँ पर रख दिया था, बोला कि नीचे तो बनाऊंगी तुम देखो ठीक है कि नहीं है, एकदम उन्हें भलो आ नहीं जाने। यहाँ ना ये इडली सूजी मिलता नहीं है, भले ही थक गए গুপচুপ দেখিয়ে তুমি রাখো আমরা ঢোকায় রাখো, কাল করবো কেন কাল করবো পরশু করবো, গুপচুপ ছাড়া সব খা নেই কিন্তু কিছু ইয়াদ নেই থা, ফির মানে গুপচুপ আর ইডলি সুজি লেখে আই। যেটা যদি ভালো থাকে তাহলে প্যাকিং গুলো খুলো না, হ্যাঁ এগুলো দেখবে হলো, শান্তি হলো, বলো হলো, দেখি কিতনা বদমাশ।
না চাইলে কে বেটি মুঝে পিনে নে দিয়া ছিল কি বাম এ আমি এনেছি তো চাল গুলো ওই ছোট চাল গুলো 250 তাকে তাকে এনেছিল ও চায় চিনি নাই তো হ্যাঁ গো চিনি নাই তো দাদার জন্য না চিনি দিয়ে দিয়ে খেতে ভুলে গেছি সব চিনি ছোড় কে বেঠে হ্যাঁ পর আর मैं पैसे लेके घूम रही हूँ। का नाश्ता हो गया हम लोगों का, मम्मी जी ने पूजा कर दिया, उसके बाद नाश्ता का भी प्रिपरेशन पूरा कर दिया था और दादा को दे दिया था। मैं नहा के आई, थोड़ा सा भगवान को फूल चढ़ाई और फिर मेरे लिए मम्मी के लिए हटुआ दादा को मम्मी दे दिया था नाश्ता, मेरे लिए आरती दी के लिए और मम्मी जी के लिए मैंने फिर बैगनी बनाया, मूढ़ी मीठा सब दे के अभी नाश्ता हुआ, थोड़ा सा बातचीत हुआ मम्मी जी से। मम्मी जी घुसी है रसोई में अभी आमरा का चटनी बनाने के लिए, चलिए दिखाते हैं। मैंने कहा कि आप बोलो मैं बना लेती हूँ, बोलते ना तुम पार भी ना, हमें चटनीटा कर दी तरह तुम बाद बाकीगुलो कर दी चटनी बना रही है। चलिए फोरन दिले ये शुकनो लंका 5 फोरन, मैंने मम्मी जी से कहा मैं आप बोलिए मैं बना देती हूँ, नहीं हमें बनाती तुम देख ये आरती जी आमरा सब ऐसे थोड़ा मैश करके दे दिया है। ये करी वीडियो करो सबाई देखे तुम्हें चटनी बनाचो आँचा कमिए ढालो झपात कर तेलगुलो बहरे चले जाए मेरे को से लास्ट मिस्टी रस देवे ना कि সর্ষে পোস্ত বেটে একটু দেয় বলো। হ্যাঁ এটা অনুষ্ঠান বাড়িতে হয় সর্ষে পোস্ত উপর থেকে। হ্যাঁ ভাত হয়ে গিয়া প্লেন রাইস আজকা কাল আমরা রাত কো ভাত খাইতে তো মম্মি কো আন্দাজা নেই হয় ভাত ফির বাজ গিয়া এ হো গিয়া বিরি ডাল পাতলা আকারকে একদম বিরি ডাল ओल चोखा ये है ओल चोखा ये आलू चोखा ये पटल भुजिया ये आमरा का चटनी झोल बहुत अच्छा बनाया मम्मी जी ने और ये है मछली का मुंडी एक अलग से बनाया गया टुआ के लिए और इधर है रुई मछली का करी टमाटर कालिया कालिया ये है आज का लंच में दादा को ऑलरेडी हम दे भी दिए अभी टुआ के लिए निकल गया दादा को दे भी दिया अभी टुआ के लिए। दादा को टुआ को ऑब्जेक्शन है जेठू उसको छोड़ के बैठ गया। हां काका जेठू खेत में बोसा गाचे आज के हम जाए जेठू काचे दोनों का खाली ना एक ही धंधा है कब तक वहाँ का खा के एसी में आके बैठे। मम्मी का रूम में एसी लगा है, हम लोग खाली फिराक में है कि रूम खाली हो और दोनों खा के अड्डाबाजी करके यहाँ आके दोनों घुस जाए पूरा। और ये तो पूरा गुड नाइट जैसा प्रिपरेशन ले लिया जबकि अभी गुड आफ्टरनून ही चल रहा है, अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। अच्छा लंच हुआ, लंच तो टुआ दिखाई है और मम्मी जी ने तो खाली चटनी और भात बनाया था, बाकी सारा जितना आप देखे सब मैं बनाई और बहुत अच्छे से खाई। खाते खाते झूठा हाथ लेके ही हम लोगों ने टीवी देखा, एक सीरियल बेंगोली सीरियल पूरा कंप्लीट किया हम आरती दी और मम्मी जी। फिर जाके हाँ फिर 4 बजे तक मम्मी और आरती दी देखी, मैं तो सोने चली आई यहाँ पर, सोने आ गई नींद लग गया तब मम्मी जी लोग टीवी देख रहे थे। करंट भी बहुत डिस्टर्ब किया आज दोपहर को, लेकिन यह एक चीज़ बहुत अच्छा है दोस्तों, करंट जाता है लेकिन एकदम जाने के लिए नहीं, तुरंत आने के लिए एक दो मिनट के बाद बाद ही करंट आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा से नींद भी हुआ अभी, मतलब रात को भी नींद हुआ, अभी भी सोने का अच्छा प्रिपरेशन है, यहाँ सो जाऊँगी। मम्मी जी बोला तुम लोग यहीं पर रहो, मैं तो टीवी देखूँगी, मैं सोफे में सो जाऊँगी थोड़ा। और 4 बजे सोएगी और 5 बजे तो उठ भी जाती है मुझे ना, फिर कैमरा ऑन करने को मन हुआ। मैसेज में शुक रहना चाहिए है ना, बोलिए बार बार इतना करंट जा रहा है
मैं बोल रही मैं जाती हूँ ऊपर, मेरा ऊपर ही सबसे अच्छा है। এই তো তুই দিদিভাইকে ক্যাচ করি আমার ভিডিওতে, বলবে না শ্বশুর বাড়ি এসছি শাশুড়িকেই দেখাইনি, কেমন ভিডিও দিচ্ছেন আপনারা বলেন, বর্ধমান গেছি শাশুড়ি নেই। দিদিভাই বলেছে আজকে মা গিরি দেখেছি, কালকে শাশুড়ি গিরি দেখাবো। দাদা আমাকে তিন লোক আড্ডা বাজি ওরা যেটা বহুত লম্বা হো রা হ্যাঁ, ইসকো মে এই পর এন্ড করতি হুম। আপ সব বহুত আচ্ছে রহিয়ে, স্বাস্থ্য রহিয়ে আর हंसते रहिए। हंसते रहिए इसलिए कि मन को खुश होने के लिए नहीं, हंसते रहिए इसलिए कि आपका तबीयत ठीक रहे, आपका मन ठीक रहे, आपका शरीर ठीक रहे, इसलिए हंसते रहिए। क्योंकि हंसने का अभी माहौल नहीं है बिल्कुल भी, पूरा दिन दुनिया में जो केस हो रहा है हंसने का माहौल हम लोगों का नहीं है, लेकिन हम लोगों को खुद को भी तो बिना मेडिसिन के कुछ कुछ टोटका नाटका से तो हम लोगों को ठीक रहना है, बोलिए। तो इसीलिए एक तरकीब है कि आप चेहरे पर थोड़ा सा हंसी रखिए, खुद को अच्छा रखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वाले वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल टाइम स्माइल।